कोई क्वेश्चन दे दो उनको फाइनल अकाउंट का, फिर एक घंटा निकल जाएगा। चलिए बेटा हाँ क्यों, उसका समारे का बर्थडे है। सर मैं क्या कहूँ सर, आज की जनरेशन है सर, ये क्या कर सकते हैं, आके चलते हैं। तो हम कहाँ थे, डेफिनेट। हाँ आपको लगता होगा सर तो बड़े कूल हैं, मेरी ईमेल आईडी पता है आपको क्या है, ravikul6937@gmail.com। वो आ जाता है ना, आ रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल क्या करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा ध्रुव, डेफिनेट इंटीग्रल लिखना शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल करेंगे यार, मैंने मेरे फटाफट से प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं एक बार, है ना। आप सभी लोगों ने फॉर्मूला नोटबुक बना रखी है ना अपनी, उसी में एड ऑन कर लिए, दो बार लिख लीजिए चाहे फॉर्मूला नोटबुक में, कोई बात नहीं। पहला देखिए जरा, देखो ये प्रॉपर्टी है, काम नहीं आएगी ये। हाँ एक एक क्वेश्चन में काम आती है बस ये। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ टी डी टी हो जाता है, मतलब एक्स की जगह टी लिखो या टी की जगह एक्स लिखो, एक ही बात है। अर्नेश गुप्ता जी नंबर टू, नहीं एक्स ही फर्क पड़ेगा फिर तो, मतलब होता क्या है देखो, तूने डेरिवेशन भी ले जाता है लड़का मुझे, एफ एक्स इजिकल टू टी है, मैं चाहता नहीं डेरिवेशन कराना, एक्स इजिकल टू टी मान ले, एक्स या टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मजबूरी है बेटा, बता रहे एक क्वेश्चन मजबूरी पड़ जाती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो सवाल में करना पड़ता है बेटा, नहीं तो कहीं इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है, वो एक सवाल में आएगी, वो 17th क्वेश्चन है, वो वहां काम आती है। चलेंगे आगे, नंबर टू, ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या प्रॉपर्टी होती है, और लिमिट को अगर ऊपर नीचे कर दे, अभी कहेगा सर फायदा क्या है सर होने तो यही तो मैथ है, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा फंक्शन का साइन भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा लिमिट का। देखो ये फिर मेरी तो चेहरा देखेगा, देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंडिकेशन मतलब एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, इतना तो आइडिया ना बेटा, नहीं पता आपको, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सर क्यों ले लिया आपने कॉमन, हाँ मतलब ये जबरदस्ती है, मैं इसमें बकवास ही होती है, हम तो इतनी आती नहीं है, फालतू की चीजें उतनी गई कहना पड़ता है मजबूरी। चले आगे, नंबर तीन, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी और चांसेस हैं कि आपका यही एग्जाम में आ जाए, माइनस ए से सॉरी ए से बी मोड ऑफ सॉरी ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा इसका, ए से लेके सी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, होता क्या है लिमिट ए से बी है तो बीच में ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, ये ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है सी। ठीक है ध्रुव जी, वो मोड वाला लगाएगा बेटा, मोड वाले में लगाएंगे तो डिपेंड करेगा फंक्शन का साइन कैसा है। हाँ बेटा हाँ ये मोड वाले में यूज होता है और मोड वाले के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे पहले मोड वाला सवाल ही करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले मोड वाला सवाल, हाँ आंसर आएगा भी नहीं सही, आज हम करेंगे दो सवाल, वो ये हो गया बेटा। हाँ 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 आते, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हियर। चले ये प्रॉपर्टी की कितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है, हर क्वेश्चन में यूज होता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, कुछ समझ में नहीं आई वाली प्रॉपर्टी लगा दो बस, जीरो से क्या होती है, ये प्रॉपर्टी हमेशा लगती है। ध्रुव जी मानते हैं आप, एग्री करते हैं हमसे, हर्षिता नहीं है, आपका माइक नहीं काम नहीं करता बेटा, हाँ बोलो, जीरो से ए माइनस एक्स हो जाता है, एक एक सवाल करोगे तो पता लगेगा। पांचवा देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपका एक आएगा आएगा एमसीक्यू में आएगा, हो सकता है 17वां सवाल आ जाए बोर्ड में, माइनस ए से, हाँ इसके 50% क्या 99% चांसेस जीरो आंसर आने के होते हैं, या तो जीरो आएगा
अगर एमसीक्यू में आ गया तो जीरो आता है ज्यादातर, इसका इंडिकेशन या तो जीरो आएगा या ट्वाइस ऑफ जीरो से ही आएगा। जीरो कब आता है? अगर एक्स की जगह फंक्शन है माइनस एक्स पुट कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, ये हो गया। छठे नंबर पे जीरो से टू है, ये भी कम यूज होती है। एक दो सवाल ही है इसका, या तो जीरो आएगा सेम ही है इसका भी, या ट्वाइस ऑफ होती है, लेकिन कम एक सवाल में ये भी यूज नहीं होती इतनी। इसका जीरो कब आएगा? अगर फंक्शन में टू ए माइनस एक्स पुट कर दें और फंक्शन का साइन बदल जाए, और टू ए माइनस एक्स पुट कर दें और फंक्शन का साइन ना बदले। ठीक है गुप्ता जी, अपना रोल नंबर मुझे भेज दीजिएगा। कोई बात नहीं कर ले। हाँ ये क्लियर है आता आपको छठा सवाल बेटा, ये देख ए से बी क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या करते हैं बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोनों लिमिट को प्लस करके माइनस करते हैं बेटा। यही बहुत ये यूज नहीं होती इतनी। मेनली तीसरी और चौथी चीज होती है बेटा, और एक माइनस से ये वाली। ओके मेरे बच्चे ओके बड़े चले आगे ध्रुव चले बेटा क्या नहीं। चलिए यहां मैं देखे ना, यहाँ पे एग्जाम्पलर नजर आ रही है आपको, वो कहा एग्जाम्पलर का हमारा देखना जरा बेटा, नजर आया किसी को? कौन बचा ढूंढने का सबसे पहले एग्जाम्पलर? देखने जरा क्यों नहीं भाई, कहा है? ये हाँ क्या कह रहे थे हम लोग?
अरे क्या था, एक क्या टॉपिक था, अभी कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। हाँ मेरे को भी लग रही है थोड़ी सी, बात करें आगे जरा हम लोग थोड़ी सी, चलिए जरा। ना मॉडल फंक्शन का होगा, नहीं तो मैं खुद देख पा देता हूँ सवाल। दो बार और इंस्टॉल करेंगे, मिल गया तो ठीक है। एक बार और नहीं मिला, चलिए सारे के नाने नहीं, ये तो सिंपल सवाल दे देना प्रो। ये तूने इसी से किया था ना बेटा, चले ऐसे बकवास कर रहे। चलिए आगे देखिए, देखिए सवाल लिखिए जरा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए माइनस वन से टू, माइनस माइनस वन से टू फंक्शन लिखिए, एक्स प्लस वन पहले कॉपी कर लो उसको, हाँ जी लिख रही है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तीन मॉडल फंक्शन हो गए, एक तो होता है बहुत बढ़िया वाला तरीका और एक होता है आसान वाला तरीका, मतलब बढ़िया मतलब कि लेंथी होगा थोड़ा सा। देखो एक तो क्या है, माइनस वन से टू करोगे इसका, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे हम लोग, लिखना शुरू कर दो बेटा, ये हुआ नहीं हुआ सवाल, सवाल ये है कि नहीं है, मैं एक तरीका ही बता रहा हूं आपको, पहले सिंपल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस करके छोड़ दूंगा मैं, ये समझ में आया था ब्रो। मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे, अब मोड वाली चीज को जीरो पुट करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, इससे एक्स प्लस वन को जीरो पुट करोगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, यहाँ पे एक्स माइनस वन को जीरो पुट करेंगे एक्स वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। तो यहाँ माइनस वन और टू के बीच का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें बीच में वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन तो क्या वैल्यू आई, यही वैल्यू आ गई, टर्मिनल वैल्यू आ गई, तो ये फंक्शन ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, अभी बता रहा हूँ, ये आ गया हमने ऐसे कैसे लिख दिया, अब मॉडुलस का साइन हटा दिया, अब या तो ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। अब माइनस वन और टू के बीच की कोई वैल्यू बताओ, जीरो पुट करो, जीरो प्लस वन किस में आएगा फंक्शन, ये पॉजिटिव आएगा तो खत्म कहानी। ऐसे इसमें क्या करेंगे, एक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, भैया जीरो, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां माइनस वन से जीरो एक्स डी एक्स प्लस
माइनस वन से जीरो एक्स डीएक्स, मैंने ऐसे लिख दिया उसको। अब इसमें साइन देखना पड़ेगा हमारे को, सॉरी माइनस वन से जीरो टू टू हो जाएगी, सॉरी। ठीक है जी, चलो सर गलतियां होती हैं तो फिर होना शुरू हो जाती हैं। माइनस वन से जीरो और जीरो से टू, अब माइनस वन और जीरो के बीच की वैल्यू बताओ कोई, माइनस हाफ, तो फंक्शन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो भाई हाँ साइन के लग जाएगा यहाँ नेगेटिव। जीरो टू के बीच की वैल्यू बताओ, वन वन पुट करो पॉजिटिव में रहेगा, जीरो टू के बीच की वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में एक्स में, तो वन पुट करी तो भी वन एक्स आएगा, मतलब पॉजिटिव रहा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये वन वैल्यू आई थी हमारे पास, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस वन से वन, और क्या करेंगे हम लोग, वन से टू करेंगे। हाँ वो मैं खुद ही कह रहा हूँ वो ज्यादा इजी है, लेकिन देख लो अगर कहेगा वहां कॉम्प्लिकेशन होती है तो मैं इसलिए यहाँ पे आई आया हूँ। ये आ गया हमारे पास, अब माइनस वन और वन के बीच में बताओ कोई वैल्यू, जीरो जीरो लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये फंक्शन किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, बस को इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देना। ये क्लियर है आपको, नहीं है ये तो मतलब अगर अलग से छोटा सा बॉर्डर फंक्शन आता तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, लेकिन दूसरे से हो जाएगा, दूसरे से करेंगे हम लोग, एक बार कॉपी कर लो उसको भी, कभी स्ट्राइक ना करे वो। पूरा भी निकालेंगे आंसर, एक आपसे भी निकलवाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी चाहता हूं वैसे इस मेथड को अवॉइड ही करो। कॉपी कर लिया, ग्रुप कॉपी कर लिया है, कर लेगा ये, तेरे दिमाग में वो सेट हो रखा है ना उसके लिए, ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन अवॉइड इट, नो इश्यू। चलें, चलो सवाल क्या था एक बार दोबारा बताना जरा, माइनस वन से टू कितना था, एक्स प्लस वन कितना था बेटे, दोबारा बताना सवाल, एक्स प्लस वन बोलो, बेटे अगर हम उसको जीरो पुट करेंगे सरीन, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, एक बार माइनस वन आएगी, एक बार जीरो आएगी, और एक्स वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो इस इंटरवल को भी तोड़ लेते हैं माइनस टू से वन के इंटरवल को, तो बीच में टर्मिनल वैल्यू कितनी आई है, जीरो और वन, तो एक्स वैल्यू पता क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऐसे लिख लो आप, एक्स वैल्यू किसके बीच में लिखेंगे, कहाँ से शुरुआत करें हम लोग, माइनस वन से, तो माइनस वन से लेके किसके बीच में लिखेंगे हम लोग, जीरो, जीरो से लेके वन, वन से लेके टू, ये मैंने ऐसे लिखा, हाँ लिखते ऐसे ही है इसको, और माइनस वन और जीरो के बीच की वैल्यू बताओ क्या होती है, वही माइनस वन बाय टू, तो पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसमें आएगी फंक्शन की, किसमें आएगी, नेगेटिव में क्या आएगी, माइनस का वन बाय टू प्लस वन, पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, हाँ सरीन ये वाली पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, क्यों आएगी, माइनस वन बाय टू वैल्यू ली तो, ठीक है क्या वैल्यू आएगी, और यहां पुट करो माइनस वन से जीरो के बीच की वैल्यू कोई, माइनस आप पुट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, ये भी किसमें आएगा, ये कितना आएगा माइनस एक्स, ये कितना आएगा माइनस एक्स माइनस वन आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ, दोबारा बताता हूं मैं, यहां से क्या करा आपने, इंटरवल लिमिट के हिसाब से डिवाइड कर लिया बेटा, अब क्या करेंगे, माइनस वन और जीरो के बीच की वैल्यू बताओ कोई भी मुझे, आपने कहा मैंने माइनस हाफ वैल्यू ले ली, कितनी ले ली, और ये मेरा फंक्शन है, एक फंक्शन मेरा एक्स प्लस वन था, एक फंक्शन मेरा एक्स था, और एक एक्स माइनस वन था, इस फंक्शन में एक्स के लिए माइनस हाफ डालूंगा तो अल्टीमेटली वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगी, यहां पुट करूंगा तो नेगेटिव, यहां पुट करूंगा तो ये पहला फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों फंक्शन नेगेटिव आ जाएंगे, इसको समरी निकाल दो यहां पे क्या आ गया,
मेरे को नहीं पता कितना आया था, एक बार x प्लस वन माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वन कितना आ गया देखो, x से x उड़ गया, x प्लस टू आ गया कहाँ। अच्छा ये माइनस एक्स था, सॉरी ये माइनस एक्स था, कितना आएगा देखने जरा एक बार, एक एक्स से घटेगा टू माइनस एक्स आएगा बेटे, वो कर लेना वो तो छोटी सी बात है। अच्छा आप जीरो और वन के बीच में बताओ कोई वैल्यू ले लो, वन बाय टू, अब वन बाय टू वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे, ध्रुव बताया ये वैल्यू किसमें आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू किसमें आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू किसमें आएगी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन कितना आ गया, एक्स से एक्स कट गया टू प्लस एक्स, हाँ एक ही बात है वो। अच्छा अब बताओ, अब इनके बीच की वैल्यू बताओ वन और टू के बीच की वैल्यू, वन और टू के बीच यार, वन और टू के बीच में कितना आएगा 1.5, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये ही पॉजिटिव आएगा और ये ही पॉजिटिव आएगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस वन कितना आ जाएगा, ये खाली 3x आ जाएगा। ध्रुव समझ में आई मेरी बात, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे माइनस वन से जीरो किसका करेंगे हम लोग, पहले वाले का टू माइनस एक्स प्लस कराया तो था मैंने पहले भाई, दो से पूछो जरा, जीरो से वन, हाँ नोवेश जब अकेले आता है ना तो मैं इसको ये मेथड कराता हूँ, ये आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ बेटे, इसको सॉल्व करते हैं एक बार कितना आंसर आएगा देखो, चले आगे सॉल्व करो उसको कितना आ रहा था, 19/2 कितनी जल्दी कैसे निकाल लिया, चूसने वाले तरीके से करा है, चल ठीक है, पर ये ज्यादा आसान था, रचित आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, पहले वाला या दूसरा वाला, दूसरे वाला, ध्रुव आपको, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, प्रीवर्ड वन में आया था ये ऐसा, दुआ करो प्रीवर्ड टू में आ जाए, देखो क्या बधाई हो, खुद कराने ईमानदारी से, अब मैं ये समझ में आया नहीं आया, अच्छा तू पहले वाले से करता है, ये तेरा हो गया वसला, नोवेश बाबू एक सवाल मैं करा लूँ आपसे, जब तक सवाल होगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, अब तो मजा आएगा हमारे को पढ़ने का 23-24 फरवरी से, 24 फरवरी से ज्यादा मजा आएगा जब दो दो तीन तीन घंटे क्लास होंगे, तीन तीन घंटे क्लास लेंगे फिर, हाँ हाँ मेरे लिए भी ले आना, अलग अलग डिशेज बनवा के लाना, शाम को ऐसा करें 6 से 9 ऐसे पढ़ा करेंगे, हाँ हाँ क्या कैसी बातें कर रहा है यार, बनिया आदमी है यार, तो दुआएं मिलेंगी, 6 से 9 ऐसा कुछ टाइम में डिसाइड कर लेंगे, रात को लेट तक पढ़ा करेंगे, तीन तीन घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, सबको 9 लगवाना सबके आगे, मेरा मन ये है जुट जाना, आगे चलते हैं ठीक है, ध्रुव कर लिया कॉपी, कितना आंसर आया पक्का करा नहीं है तुमने ध्रुव, चलो ठीक है थैंक यू, कॉन्फिडेंस तो बहुत है हमारे ध्रुव में, बहुत प्यारा बच्चा है, 2 से लेके 4 x-2 x-3 और x-4
पांच मिनट देर करो।
अवड़े जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। अच्छा 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 ध्रुव आपका कितना आंसर आया है? ध्रुव, तनिष, चलो ठीक है, हर्षिता, मिनट रुक जाते हैं जब इतने बच्चे रुके हैं तो। हाँ मैं अभी देखता हूँ। आपका आंसर अचेत माइनस में क्यों आ रहा है? कितना है? 5 इज द राइट आंसर। बधाई हो। 5 मैं चला के बोला था कि तुम डाउट में रहो थोड़ा सा। एक सवाल और करो फटाफट से। ये वाला जल्दी से और करो, एक फंक्शन इसके बगल वाला सवाल और करो, कहाँ करके तो देखो, मुक्का तभी तो दिया है। अब डाउट आ गया, दिया है तो मैंने। करो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, करो हेल्प करो थोड़ी थोड़ी। एक्स क्यू माइनस वन के फैक्टर क्या हो जाएंगे? कुल मिला के कहानी ये बन गई है, मतलब चीज तो वही बन गई ना, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। करो जरा फटाफट से, हाँ एक बार जीरो दे दो ना। वहां प्लस था, यहाँ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया।
ग्रुप करो सॉल्व बेटा क्या आ रहा है देखो, ये मल्टीप्लाई में है फंक्शन बस। तुम्हारा कितना आ रहा है? 11/4 आ रहा है। यस आपका रचित ठीक आ गया 11/4। फिर से मिलियो बराबर है 9 बजे कितना टाइम लग रहा है? कितना? वेरी गुड बधाई आओ, क्योंकि बच्चा आज ही छा गया है। तूने लोकल तरीके से करा हमारे? तनिष आप रचित आपका तो ठीक है, तनिष हर्षिता चलो आगे। कैसा लगा मॉडल फंक्शन? एक छोटी सी बात याद आई, वो भी साथ ही निपटा लें। ग्राफ कैसे करते हैं मॉडल फंक्शन वाले? हाँ मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 मैं कर, हाँ जी ये क्लियर है बेटा आपको? 11/4 आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी सर, चले आगे। और बताओ क्या रिवाइज करना है? चलें आगे।
इन्हीं के तो हमने बहुत ही सवाल किए थे, आपको याद होगा। AOD करेंगे बेटे हम लोग। एक बार ये वाला सवाल देखो जरा, ठीक ही दे रखा है इन्होंने। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा, ये नजर आ रहा है आपको? ये ड्रॉ करना है एक रफ स्केच। ये मॉडुलर फंक्शन दे रखा, बाइसिकल टू वन प्लस मोड ऑफ पहले से। एक क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार जरा, और एक्स की वैल्यू देखिए -3 से 3। पहली बात तो आती है इसको ड्रॉ कैसे करा होगा हम लोगों ने। ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू वन प्लस, इसको ग्राफ को हमने ड्रॉ किया होगा, और पॉइंट कितने दे दिए हमारे को -3 से लेके 3। तो डायग्राम में भी क्लियर हो गया आपको, लेकिन लाइन कैसे ड्रॉ की होगी ये? तो ये लाइन एक नहीं है, लाइन दो बनेंगी है। कैसे बनेंगी दो? पहले लाइन कैसे बनाओगे? y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वन, और y इज इक्वल टू वन माइनस, ये बात क्लियर है आपको? मोड में एक बार वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में लेते हैं, नहीं लेते हैं? कितना आएगा से पहले वाले से 2 प्लस एक्स, और ये कितना आएगा, कितना आ रहा दोबारा देखिए, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। तो x नहीं है, वो x प्लस वन है। कॉपी कर लिया बेटा, पूरा लिख लो सवाल को। हाँ बना लो, ठीक है ऐसे बनेगी। देखो सवाल उतार लिया तो मैं आगे चलूं। ये फंक्शन हमने गलत बना दिया था, फंक्शन ऐसे बनेगा। ये यहाँ x प्लस वन है, x नहीं है बेटा, यहाँ क्या है x में तो क्या लेते हैं, या तो x इज ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, और या x इज लेस देन जीरो लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, x इज लेस देन माइनस वन होगा तो क्या होगा, फंक्शन माइनस x होगा, क्यों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो क्या आएगा, x प्लस टू आएगा। हमारा भी यही आ रहा था बन के, अब यहाँ लिमिट कैसे स्प्लिट की है वो देख लीजिए। हमें इंटीग्रेशन करना है -3 से लेके 3 तक करना है, तो -3 से लेके कहाँ तक करेंगे हम लोग, -1 तक, और -1 से लेके 3 तक करेंगे। आपके साथ आपको ये पूछना चाहिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करा हम लोगों ने, क्या ये तो ऐसे निकल के आ गया ना बेटा, ये लिमिट से निकल के आ गया ना हमारे पास ये। तो बाकी देखो थोड़ा ड्रॉ कैसे करा है, ड्रॉ करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे। देखो ये लाइन है ना, ये लाइन ऐसे होके जाएगी, y = -x लाइन ऐसे होके जाती है, पता है आपको y = x ऐसे जाती है, y = -x लाइन हो गई। और दूसरी लाइन कितनी है बेटा हमारे पास, एक तो y = -x थी, एक y = कितनी थी, तो x को 0 डालेंगे तो y कितना आ रहा होगा, x को 1 डालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। देखो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं ग्राफ दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं। बेटे देखो जरा कैसे बनेगी, y = -x को तो सीधा ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं लाइन को, हाँ जी कर दूं ड्रॉ। और ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग x प्लस टू को, अगर x को 0 लिया तो y कितना आएगा, 2, x को 1 लिया तो y कितना आएगा, 3, x को कितना लिया, 2 लिया तो y कितना आएगा, 4, ये लाइन कैसे होके जाएगी, ऐसे होके जाएगी। मुझे एरिया किसके बीच में निकालना है, 1, 2, 3, ये -3 है, 1, 2, 3 एक ही आ रहा है मेरे पास।
तो मेरे एरिया कौन सा निकल के आ गया, ये सारा एरिया निकल के आया मेरे को। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरफेक्ट कर रही हैं, ये माइनस वन आ गया मेरे को। ऐसे कर लो ना, ये दोनों वाई वाई कर रही है, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस टू हो गया। तो सॉल्व करो कितना आ गया, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन आ गया। तो माइनस थ्री से लेके क्या करूँगा मैं, माइनस वन करूँगा, और माइनस वन से लेके कितना करूँगा मैं, थ्री करूँगा मैं। तो माइनस थ्री से माइनस वन और माइनस वन से थ्री। इसमें फंक्शन क्या ले रहा हूँ मैं, माइनस थ्री से माइनस वन वाला जो फंक्शन है उसमें कर्व ये ले रहा हूँ मैं। ये कर्व का मतलब क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू, और ये और ये वाली कर्व कितनी आ रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्यों नहीं आ सकता, आजकल ट्रेंड इसी का चल रहा है। थोड़ा कॉपी कर लो एक बार इसको, फिर ये हट जाएगा सब कुछ। बेटे पहले एक बार एडजस्टमेंट का ना स्क्रीनशॉट भेज दे मेरे पास। ग्राफ दोबारा कर ले, ग्राफ कैसे बनाया है, देख ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ये लाइन है हमारे पास, ये वन टू थ्री, वन टू थ्री। वाई इक्वल टू माइनस एक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करूँ या हो गया, ये हो गया ड्रॉ, ये तो। और दूसरी लाइन कितनी है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू लाइन कैसे जाएगी, एक्स की अब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और लिमिट माइनस थ्री से थ्री दे रखी थी हमारे को, तो सबरा एरिया चाहिए। ठीक है, इधर का लेंगे इस वाली लाइन के लिए, तो और इस वाली लाइन के लिए हो जाएगा माइनस वन से लेके थ्री। रचित हो रहा है, कितना आ रहा है, ये दिमाग क्यों खराब करते हो अपना। बता दो उसको, हाँ एक एनसीईआरटी का सवाल कर लेंगे इससे रिलेटेड। तो पता क्या, मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आपसे एक सवाल करवा लेता हूँ ना मैं, तब तो मैं रहता हूँ जीत में, अदरवाइज सब कूड़ गोबर हो जाता है अगर मैं कराता रहता हूँ तो। मानते हो नहीं, देखो पांच सवाल हैं, कर लो उसमें मोड वाला कर लो।